हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हमने इससे पहले भी फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि फ्लावर में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, लाइक सेपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। और फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एक प्लांट का। आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है, जिसमें आप कहेंगे फ्लावर। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों होता है, क्योंकि फ्लावर में स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में आपने देखा होगा स्टेमन्स होते हैं और पिस्टल होते हैं। तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। ये जो है स्टेमन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जिसमें यहाँ पर ये जो है ये एंथर और ये जो लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और यहाँ ये है पिस्टल। पिस्टल में ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, और ये पतली से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पे एक जो फूला हुआ हिस्सा है, स्वेलिंग पार्ट जो है, उसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे से वन और मोर देन टू ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है 12.4। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको कहा गया या तो आप चाइना रोज का फ्लावर लें या एक मस्टर्ड का फ्लावर लें, और उसमें से जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपको निकालना है। तो फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जिस फ्लावर में या तो पिस्टल प्रेजेंट हो या स्टेमन प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो आप ये आपको अगर किसी ने पूछा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि जिस फ्लावर में या तो स्टेमन हो या पिस्टल हो, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो, उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और जिस फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो या तो सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे या फिर सेम ही काइंड के डिफरेंट प्लांट में होंगे। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। यहाँ पर हमने ये देखा था अभी एंथर, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एंथर एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड फिलामेंट। और पिस्टल के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक ऊपर का जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल। तो ये जो एंथर है, ये एंथर ही छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है, और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेंट्स वन और मोर ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स के अंदर ही फीमेल गैमेट्स और एग प्रेजेंट होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन्स रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। पूछो अब ये जानना चाहता है कि एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन में होते हैं, वो ओव्यूल तक कैसे पहुंचते हैं। अब हम इसे आगे देखेंगे। पॉलिनेशन, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरिड बाय विंड, एनिमल और। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक बहुत ही टफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उसको ड्राई होने से बचाता है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक पिक्चर दिया हो गया है, डायग्राम आप यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं, हम उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरीज अवे पोलन ऑन देयर बॉडी। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं लाइक बटरफ्लाई है, वो नेक्टर लेने के लिए फ्लावर में बैठती है और फिर ये पोलन क्या है उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वहाँ पे वो पोलन को ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो
एंथर से होकर स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। तो जो प्रोसेस है द ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इफ़ द पोलेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ये जो पोलेन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होता है, वो या तो सेम ही फ्लावर पे हो या फिर सेम प्लांट के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे लैंड हो, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जब पोलेन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड होता है डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे लैंड करता है जो सेम ही काइंड का होगा, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप यहाँ पे इस डायग्राम से बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है। अब इस एंथर से जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस एंथर से जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है इस दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड होता है तो ये जो स्टिग्मा है वो एक स्वीट जूसी लिक्विड सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये जो पोलन ग्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन से, और उससे ही होकर जो मेल गैमेट होते हैं ना, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो यहाँ ओव्यूल में पहुँचते हैं जहाँ पे एग्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे फिर ओव्यूल में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। द सेल विच स्टार्ट द सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड अ जायगोट। द सेल विच रिजल्ट, अब जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने से जो सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और जो जायगोट है डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और बाद में वो जो जायगोट फ्यूजन से डेवलप हुआ था वो बाद में डेवलप हो जाता है एट एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो क्या होता है, जो सीड के अंदर होता है। तो अब हम करेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो ओवरी जो होता है, जो फूला हुआ पार्ट है पिस्टल में, वो डेवलप हो जाता है, ग्रो इनटू फ्रूट, फ्रूट वो फ्रूट बन जाता है। और जो डिफरेंट जो अदर पार्ट्स हैं लाइक सेपल्स है, पेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, तो हम कह सकते हैं कि फ्रूट क्या होता है, फ्रूट एक राइपेंड ओवरी होता है। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, अब जो ओव्यूल है वो क्या होता है, ओव्यूल जो डेवलप हो जाता है सीड में, और ये सीड एम्ब्रियो को कंटेन करता है। द सीड कंटेन्स एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कोट, और सीड के चारों तरफ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट डेवलप हो जाता है और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, फिर एक बेबी प्लांट रहता है जिसको फिर अगेन हम मिट्टी में जब लगाते हैं तो फिर एक प्लांट ग्रो होता है। सम फ्रूट आर फ्लेसी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स और वॉलनट। तो हमने देखा है कि जो एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये सब क्या होते हैं, फ्लेशी होते हैं और जूसी होते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाता है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोज एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने देखा होगा कि हमारे जो एक तरीके के जो प्लांट है, लाइक एक मैंगो का प्लांट है वो हर जगह पाया जाता है, ग्वावा का जो प्लांट है वो हर जगह पाया जाता है। तो ये कैसे होता है, दिस हैपन बिकॉज द सीड आर डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। जो सीड है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिस्पर्स हो जाते हैं। सम टाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट
or a field or a park, you may have found seed or fruits sticking to your clothes. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? कभी कभी हम भी जब वॉक करते हैं, अगर कुछ ग्रास है उसके ऊपर से अगर हम चलते हैं या कभी फॉरेस्ट के बीच से क्रॉस करते हैं तो हमारे कपड़ों में छोटे छोटे से सीड चिपक जाते हैं, तो हमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? What do you think, what will happen if all the seed of a plant were to fall at the same place or grow there? तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर एक प्लांट के सीड सब उसके नीचे ही गिर जाए और वहीं ग्रो हो जाए तो क्या होगा? तो देयर वुड बी अ सीवर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस. अगर एक ही साथ एक ही प्लांट के बहुत सारे सीड नीचे गिर जाए तो वहाँ पे क्या होगा? उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सनलाइट के लिए और स्पेशली ग्रो करके प्लेस के लिए. वहाँ पे जो स्पेस है उसके लिए भी उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा और एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इन टू अ हेल्दी प्लांट्स. तो फिर प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. प्लांट जो है उनको बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्सल से. एक तो क्या उनके बीच में कंपटीशन नहीं रह जाता है लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, और एक ही वैरायटी के जो प्लांट्स हैं वो हर जगह पे बहुत सारे हैबिटेट में आसानी से पाए जाते हैं. सीड एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो विंड से एक जगह से दूसरे जगह कैरी किए जाते हैं, बाय वाटर भी एक जगह से दूसरे जगह कैरी किए जाते हैं, और कुछ तो एनिमल्स के द्वारा भी यहाँ से वहाँ डिस्पर्स किए जाते हैं. तो विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल. ये ड्रमस्टिक और ये मैपल के जो सीड होते हैं इनको बहुत ही लाइट होते हैं और इनमें विंग्स होते हैं. तो ये क्या होते हैं? एयर के बाय एयर ये एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्पर्स किए जाते हैं. सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर. दीज फ्रूट्स और सीड यूजली डेवलप अ फ्लोटिंग एबिलिटी टू फॉर्म द स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोट एज इन कोकोनट. आपने कोकोनट देखा होगा, उसके ऊपर कैसा एक फाइबर, पूरा एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है फाइबर जैसा, और वो वाटर में फ्लोट भी करता है. तो ये उसका सीड का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि वो वाटर में ईजिली फ्लोट कर सकते हैं. तो वो फ्लोट करके एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाते हैं. और सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल, स्पेशली स्पाइनी सीड विथ हुक विच गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड कैरीड टू डिस्टेंस प्लेसेज. एग्जाम्पल्स आर जैंथियम एंड यूरेना. तो कुछ क्या होते हैं, जब एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं या फिर कहीं पे चलते हैं तो कुछ सीड जो है उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं तो वो वहाँ पे उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और मिट्टी से फिर मिट्टी में कांटेक्ट में आकर फिर वो ग्रो हो जाते हैं. तो इस तरीके से भी उनका डिस्पर्सन हो जाता है. सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क. कभी कभी क्या होता है, कुछ जो सीड्स हैं ना वो जब फ्रूट्स क्या है अचानक से बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं. और दिस हैपन्स इन केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम. कैस्टर और बालसम के जो सीड होते हैं वो इस तरीके से डिस्पर्स होते हैं. तो हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए धन्यवाद.